हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में फिर से मोस्ट 50 एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि बायोलॉजी का है और ये एकदम बेसिक से लेकर जो कि टॉप लेवल तक का क्वेश्चन जो कि सारे इसमें इंक्लूडेड है। तो प्लीज़ ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपके सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, SSC के और एग्जाम जितने भी होते हैं सभी में जो कि ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ से लेना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें, द एडल्ट ह्यूमन ऑफ एवरेज एज एंड साइज हैज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी कार्ड्स ऑफ ब्लड इज इट। तो ब्लड का जो कि एडल्ट में कितना कार्ड्स होता है, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा ऑप्शन ABCD। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका आंसर जो कि ऑप्शन बी जो है कि 6 जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। 6 कार्ड होते हैं अप्रोक्सीमेटली यंग एडल्ट ह्यूमन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप यहाँ से बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ से बात करें, वंस द इरिथ्रोसाइट्स एंटर द ब्लड इन ह्यूमन्स इट इज एस्टिमेटेड दैट दे हैव एन एवरेज लाइफ टाइम ऑफ हाउ मेनी डेज इज इट। तो इसमें मेनली पूछा गया कि RBC का जो होता है ना, WBC का सॉरी पूछा गया, तो WBC का जो लाइफ टाइम होता है वो कितने दिन का होता है। तो आपको आप जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी जो कि करेक्ट हो जाएगा, 120 डे का जो कि होता है उसका लाइफ टाइम इरिथ्रोसाइट्स का। इरिथ्रोसाइट तो ये RBC होता है, इरिथ्रोसाइट आपका RBC होता है, ल्यूकोसाइट जो आपका होता है वो होता है WBC एंड आपका जो प्लेटलेट्स होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ से बात करें आप थर्ड का, ऑफ द फॉलोइंग व्हिच मैकेनिज्म आर इम्पोर्टेंट इन द डेथ ऑफ इरिथ्रोसाइट्स है ना जी। तो इरिथ्रोसाइट्स के डेथ में यानी डिस्टोहरी में किसका जो कि मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल रहता है, यहाँ पे देखें तो फैगोसाइटोसिस एंड हीमियोलाइसिस मैकेनिकल डैमेज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका जो कि राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव जो कि कॉजेज हैं RBC के जो है यहाँ पे जो कि इरिथ्रोसाइट्स के जो है यहाँ पे डेथ होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें अभी यहाँ से, सर्पल्स एंड ब्लड सेल्स नीडेड टू मीट एन एमरजेंसी आर मेनली स्टोर्ड इन हार्ट ऑर्गेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज इट इधर। तो ये जो होते हैं सर्पल्स ब्लड से रेड ब्लड सेल्स है ना, उसके बाद जो है कि आपका होता है जो ये इन एमरजेंसी में कहाँ पे स्टोर्ड होता है पहले, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं ये स्प्लीन में जो है कि स्टोर्ड रहता है, आपका ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट रहने वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर यहाँ से बात करें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, व्हेन अ ह्यूमन डोनर गिव्स अ पिंट ऑफ ब्लड इट यूजुअली रिक्वायर्स हाउ मेनी वीक्स फॉर द बॉडी रिजर्व ऑफ रेड कॉर्पसल्स टू द रिप्लेस्ड इज इट। तो RBC को कितने दिन तक रिजर्व करके रह सकता है दूसरे बॉडी में ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 वीक्स के लिए जो कि हम लोग पैक करके रखते हैं थैली में बैग जो मेजर रखते हैं उसे, वो जो कि मैक्सिमम 7 वीक तक लिए हम जो है उसे रख सकते हैं दूसरे ह्यूमन बॉडी को ये डोनर के लिए। नेक्स्ट आप बात करें, देर आर 3 सब्सटेंसेज फाउंडेड इन ह्यूमन ब्लड विच आर ऑक्सीजन एंड विच इज बिगेन विद द लेटर H, नेम 2 ऑफ द सब्सटेंसेज। तो यहाँ पे आपको 2 सब्सटेंसेज का नाम देना है जो कि H लेटर से शुरू होता है। तो जानते हैं हीमोग्लोबिन जो कि RBC का वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिकल रहने वाला है, उसके बाद आपका आ जाएगा हीमोसाइनिन, उसके बाद आपका आ जाता है हेमेरिथ्रिन। ये जो कि 3 जो है कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टिकल जो कि ब्लड में होते हैं, और RBC जो है कि रेड कलर का होने के कारण ये हीमोग्लोबिन ही होता है ना, और हीमोग्लोबिन जो है कि फेरस एलिमेंट को जो कि ये कंटेन करता है। नेक्स्ट अब बात करें यहाँ से क्वेश्चन का, द सेवरल टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर सम टाइम्स कलेक्टिवली रिफर्स टू एच। तो यहाँ पे आपको पूछा है तो पूछा है व्हाइट ब्लड सेल यानी WBC के बारे में, सेल्स आर सम टाइम्स कलेक्टिवली रेफर्ड, जब ये कलेक्टिवली होते हैं तो इसका किस नाम के हम लोग जानते हैं। तो अभी जो बात की थी हम लोग ल्यूकोसाइट जो कि यहाँ पे आपका जो कि आपका ऑप्शन भी करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द कंडीशन इन विच देर इज अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इन ह्यूमन इन नॉन एज। तो मतलब यहाँ पे आपका WBC का जो नंबर जो है कि वो डिक्रीज हो रहा है, तो WBC का नंबर जो डिक्रीज हो रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है, कौन सा आपको यहाँ पे डिजीज हो सकता है, ये दिया गया है आपके ऑप्शन में, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपेनिया, ल्यूकेमिया एंड ल्यूकोहाइपरिया।
यहाँ पे आपका जो है कि राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या दिया गया है आपको, दिया गया है ल्यूकोपेनिया। तो ल्यूकोपेनिया डिजीज के कारण जो है कि WBC का जो है कि लेवल जो कि वो डाउन होने लगता है। आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लड आर द, है ना। तो ब्लड का जो कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, है ना, द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है आपका वो प्लेटलेट्स जो है, या फिर इसे आप थ्रोम्बोसाइट्स भी कह सकते हैं, जो कि आपके यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग प्लेटलेट्स इज इनकरेक्ट, प्लेटलेट्स कंटेंट्स DNA आर रफली डिस्क शेप्ड, हैव लिटल एबिलिटी टू सिंथेसाइज प्रोटीन, आर बिटवीन हाफ एंड वन थर्ड द डायमीटर ऑफ द रेड सेल्स। तो इसमें से कौन सा जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि प्लेटलेट्स कंटेंट DNA, ये जो कि आपका यहाँ पे रॉन्ग आंसर हो जाएगा, और आपका यहाँ पे राइट आंसर जो कि ए हो जाएगा ऑप्शन, है ना। यहाँ पे DNA जो कि कंटेन नहीं करता है थ्रोम्बोसाइट्स, या फिर प्लेटलेट्स में DNA नहीं होता है, DNA पार्टिकल्स में। नेक्स्ट बात करें, शॉर्ट आंसर यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स इन ह्यूमन ब्लड। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन किया गया है, ह्यूमन ब्लड में प्लेटलेट्स का मेनली क्या प्राइमरी फंक्शन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्लॉटिंग और ब्लॉकिंग लीक फ्रॉम ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में ब्लड का जो फ्लो होता है, कहीं पे ब्लॉक हो जाता है, कहीं जो क्लॉट होता है, तो उसे जो है कि ये फ्री कर देता है, उसे जो है कि ये बहाने, मतलब जो है कि ये फ्लो करवाने में इसका हेल्प करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से आप देखें, व्हेन अ वाउंड अकर्स इन अ ह्यूमंस, जब किसी व्यक्ति की किसी बॉडी में, मतलब किसी पार्ट में घाव टाइप का हो जाता है, द प्लेटलेट्स इन द ब्लड एक्टिवेट ए सब्सटेंस विच स्टार्ट द क्लॉटिंग प्रोसेस, द सब्सटेंस विच स्टार्ट द क्लॉटिंग इज। तो क्लॉटिंग जो करता है वो क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, एडनोसाइन, हिस्टामिन, लेसिथिन एंड थ्रोम्बिन। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थ्रोम्बिन जो है कि होता है, ये ब्लड को क्लट कर देता है उस वाउंड के जगह पे, ताकि ब्लड फ्लो जो है कि लगातार ना होते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखें यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन लुकिंग एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ह्यूमन टिबिया, यहाँ पे ह्यूमन टिबिया ये जो कि बोन होता है एक तरह का, इसका बात कर रहा है, वन फाइंड द रेड मैरो इन द, तो इसमें रेड मेलो मेरो जो पाया जाता है वो क्या होता है। यहाँ पे देखें तो मेडुलरी कैविटी, कैंसिलियस बोन, प्रियोटिशस, उसके बाद है एपिफिसिस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा, मेडुलरी कैविटी जो है कि आपका होता है टिबिया में, जो रेड मेरो होता है वो आपका मेडुलरी एक्टिविटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें आप, लेंथेनिंग ऑफ लॉन्ग बोन्स इन ह्यूमन अकर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बोन, दिस एरिया इज कॉल्ड द, कह रहा है लेंथेनिंग ऑफ द लॉन्ग बोन इन ह्यूमन अकर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बोन, है ना, मतलब जो कि हड्डी का जो कि लंबा हो जाना, दिस एरिया इज कॉल्ड, तो उस एरिया को क्या कहते हैं, मेडुलरी कनाल कहते हैं, या फिर कैंसेलस बोन कहते हैं, या फिर पेरिटोस्टियम कहते हैं, उसके बाद या फिर एपी फाइसिस कहते हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन राइट ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, एपिफाइसिस कहते हैं ना, लेंथनिंग ऑफ बोन जो हो जाता है, तो उस एरिया को क्या कहते हैं, एपिफाइसिस जो कि उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन विच इज एन इम्पोर्टेंट रिले स्टेशन फॉर द सेंसरी इम्पल्सेस एंड ऑल्सो इज द ओरिजिन ऑफ मेनी ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्ट्स ऑफ द आई सच एज द नैरोइंग ऑफ द पीपल इन ब्राइट लाइट इज द। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये सभी कंट्रोलिंग ब्रेन के किस पार्ट द्वारा होता है, यहाँ पे जैसे देखा, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, कॉर्पस कैल्शियम, उसके बाद सेरिबेलम है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, मिड ब्रेन जो है कि आपका होता है, ये जो है कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ पे करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड रहने वाला अभी का सेशन। इफ द ह्यूमन ब्रेन बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट, सेक्सुअल डेवलपमेंट, स्लीप एंड द बॉडीज ऑफ द बॉडीज यूज ऑफ फैट एंड वाटर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस रीजन ऑफ द ब्रेन, दिस रीजन ऑफ द ब्रेन इज द हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, कॉर्पस कैलोसम, सेरिबेलम। तो आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ही वह ब्रेन का पार्ट है जो कि इन सभी चीज़ों पर जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। तो प्लीज इन सभी पॉइंट्स को जो है कि आप थोड़ा
ध्यान में रखें, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर जो कि एग्जाम में आए हुए भी हैं और आने के भी चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं 17 का। इन विच सेरिब्रल लॉब इज द स्पीच सेंटर लोकेटेड? इट इज द पूछा है इन विच सेरिब्रल लॉब इज द स्पीच सेंटर लोकेटेड। स्पीच सेंटर कहाँ पे लोकेट होता है? फ्रंटल में होता है सेरिबेलम का। यहाँ पे आपको जो पूछा गया है सेरिब्रल का, सेरिब्रल लॉब का फ्रंटल में, पेरिटल में होता है या फिर टेम्पोरल में होता है या फिर ऑक्सीपिटल में होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका ऑप्शन जो कि ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द फ्रंटल, यहाँ पे जो कि आपका राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन का बात करें, इन मोस्ट एक्सॉन्स द माइलिन शीथ इज इंटरप्टेड एट इंटरवल्स ऑफ अबाउट 1 मिलीमीटर और मोर। दीज इंटरप्शन आर कॉल्ड द, है ना, तो आप ये आपको पूछा गया जो न्यूरॉन्स का जो मतलब जो न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो एक्सॉन्स होते हैं उसी के बारे में आपको ये पूछा गया है। तो उस प्लेस को क्या कहते हैं? उसको ग्लियल कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं, कोलेट्रेट्स कहते हैं, नोड ऑफ बेबिनेट कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका जो कि राइट आंसर ऑप्शन जो कि यहाँ पे बी हो जाएगा, नोड्स ऑफ रेनवियर जो कि इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जहाँ पे जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है, चलिए एक शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है द दिस डिजीज कॉज्ड बाय, यहाँ पे आपका ऑप्शन है, क्वेश्चन है आपका यहाँ 20 का। दिस डिजीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद द ग्राम निगेटिव यर्सिनिया पेस्टिस इज ट्रांसमिटेड बाय फ्लेम फ्रॉम रेड सी ह्यूमन, व्हाट इज द मोर कॉमन नेम फॉर दिस डिजीज। तो चूहों से जो मनुष्य में होने वाला रोग होता है उसके उसका मेनली क्या नाम है? आप देख पा रहे हैं उसका नाम है बुबोनिक प्लेग और ब्लैक डेथ, है ना, बुबोनिक प्लेग और ब्लैक डेथ जो है किसका नाम जो कि यहाँ पे दिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए। चलिए फिर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन हम सीख फिर देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन है कैरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, कैरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो कैरियोलॉजी किस चीज़ का स्टडी करता है? ह्यूमन हार्ट का, टूथ डीके का, किडनीज का या लीवर का? तो ये टूथ डीके का जो स्टडी होता है उसे कैरियोलॉजी जो कि कहा जाता है। है ना, टूथ डीके को जो कि कैरियोलॉजी जो कि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन फिर दिया गया है, द लार्वल फॉर्म ऑफ बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स इज मोर कॉमनली नोन इज नोन एज व्हाट, है ना, तो बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है उसे क्या कहते हैं? कैटरपिलर जो कि उसे कहा जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, क्वेश्चन आपका यहाँ पे है ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ सेल डिवीजन द मिटोटिक एपरेटस डिसअपीयर्स द क्रोमोजोम्स बिकम एटेन्युएटेड द सेंट्रीओल्स डुप्लीकेट एंड स्प्लिट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकम्स रिकॉन्स्टिट्यूट एंड द मोलिक्यूल्स रीअपीयर्स दिस फेज ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज, तो सेल डिवीजन के इस फेज को टोटली क्या कहा जाता है? इसे जो है कि टीलोफेज जो है कि इसे कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसे जो कि टीलोफेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेल डिवीजन द फेज फॉलोइंग द मेटाफेज इज नोन एज, मेटाफेज किसे कहा जाता है? प्रोफेज, एनाफेज, टेलीफेज या फिर एक्स्ट्रोफेज। तो इसमें जो कि आपका एनाफेज जो होता है उसी को जो कि यहाँ पे जो है कि आपका क्या कहा गया है? मेटाफेज कहा गया है। तो टेलीफेज में जो कि बहुत सारे जो कि डिविजन्स एक साथ होते हैं इसीलिए जो है मेटाफेज भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ऑल सेल्स ऑफ ऑर्गेन, ऑल सेल्स ऑफ एन ऑर्गेन फाइंड देयर लिनेज फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज सेल, दिस सिंगल फर्टिलाइज्ड सेल इज कॉल्ड व्हाट, तो क्या कहा जाता है उसे? जायगोट कहा जाता है ना, जो कि इस सेल का जो कि जो मेन पेरेंटल होता है उसे जो कि जायगोट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्लियर वाटरी लिक्विड दैट सराउंडेड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड फिल्स द फोर कैविटी और वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, तो कौन सा लिक्विड होता है? वो आपका होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड, उसे क्या कहते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड होता है जो कि ब्रेन के सभी पार्ट्स और स्पाइनल कोर्ड्स में भरे होते हैं जो लिक्विड, उसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड कहा जाता है। चलिए फिर
तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से आप देखें, नेम द क्लियर वाटरी लिक्विड। तो ये आपका हो चुका है सेरिब्रोस्पाइनल फाइनल फोर फ्लूड। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, द ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट्स विच इंक्लूड्स बेटलेस इज नोन एज, कह रहा है द ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट्स विच इंक्लूड्स बेटलेस इज नोन एज, इसे कहा गया है कोलियोपेट्रा, ऑर्थोपेट्रा, उसके बाद हाइपोनोपेट्रा, उसके बाद डिप्टेरा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हो जाएगा कोलियोटेरा। कोलियोटेरा जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर यहाँ पे बात करें, दिस मेजर प्रोटीन कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन मैमल्स कंप्राइजेज मोस्ट ऑफ द अदर ऑर्गेनिक मैटर ऑफ स्किन टेंडन्स बोन्स एंड टीथ एंड अकर्स एज फाइब्रस इंक्लूजन इन मोस्ट अदर बॉडी स्ट्रक्चर्स एज दिस मटेरियल। तो इस मटेरियल को क्या कहा जाता है, इलास्टिन कहा जाता है या फिर कोलिगेन कहा जाता है, फैटी एसिड कहा जाता है, फिर क्रिएटिन कहा जाता है। आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसे कोलिगेन जो है जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर बात करें, सिकल सेल एनीमिया एंड हंटिंग एंड हंटिंगटन्स कोरिया आर बोथ, ये दोनों क्या हैं, मतलब सिकल सेल एनीमिया एंड हंटिंगटन्स कोरिया आर बोथ, ये क्या है, ये वायरस रिलेटेड डिजीज हैं, बैक्टीरिया रिलेटेड डिजीज हैं, कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर या फिर नन ऑफ द अबव। ये हो जाएगा आपका कॉन्जेनिटल जो है कि कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर जो कि आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन जो कि यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बात करें, अब यहाँ से इन मोस्ट स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम देर आर हाउ मेनी कॉन्ट्रेक्टाइल वेकॉल्स इट इज, तो पूछा है इन मोस्ट स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम देर आर हाउ मेनी कॉन्ट्रेक्टाइल वेकॉल्स, तो कितने वेकल्स, कितने गुहा होते हैं जो कि पैरामीशियम में, तो 1, 2, 3, 4 आपका जो कि राइट आंसर जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे 2 वेकल्स जो है कि पैरामीशियम में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ से बात करें, देखें द मेजर फाइब्रस प्रोटीन आर, मेजर फाइब्रस प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके पेप्टोन एंड एडिस्टिन, उसके बाद होता है आपका ग्लूटेलिन एंड ल्यूसिनिन, उसके बाद होता है वेलाइन एंड लेसाइन, उसके बाद होता है मायोसिन एंड एसिटीन। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट रहने वाला है, आपका जो फाइब्रस प्रोटीन है मेनली वो मायोसिन एंड एक्टिन जो है यहाँ पे राइट आंसर जो कि आपका रहने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, अब यहाँ से देखें 36 में, नेम द आउटर पोर्शन ऑफ स्टेम और रूट बाउंडेड एक्सटर्नली बाय द एपिडर्मिस एंड इंटरनली बाय द सेल ऑफ द पेरिसाइकल। तो एपिडर्मिस और पेरिसाइकल से जो बाउंडेड रहता है आपका क्या होता है, ये इसे कॉर्टेक्स कहा जाता है ना, इसे जो है कि ये कॉर्टेक्स कहलाता है, आउटर जो है कि ये पोर्शन होता है आपका स्टेम या फिर रूट का। नेक्स्ट बात करें है ना, कोस्टल कार्टिलेक्स आर, कोस्टल कार्टिलेक्स क्या होते हैं, देखिए तुम अटैच द रिफ्ट टू द स्टेमेन स्टेनम कवर द एंड ऑफ द फीमर इज फाउंड इन द पिन्ना ऑफ द ईयर फॉर्म्स द इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ द बैकबोन। यहाँ पे आपका कोस्टल कार्टिलेज क्या रहने वाला है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, क्या है ये अटैच द रिफ्ट टू द स्टर्नम, ये स्टर्नम को जो है कि अटैच करने वाला जो है कि ये रिब होता है आपका कोस्टल कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बात करें यहाँ से हम, फ्रॉम विच ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट्स डिड यू इनहेरिटेट योर माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है कि आप ये किस ग्रैंड पेरेंट्स से लेते हैं, मदर पेरेंट, पेटर्नल ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर या फिर मेटर्नल ग्रैंड फादर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेटर्नल ग्रैंड मदर, ये जो है कि मेटर्नल ग्रैंड मतलब क्या, आपका ये नानी से जो है कि आपको ये मिलने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बात करें, अब देखें विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ न्यूरोन, तो इनमें से कौन सा पार्ट है चाहे जो कि न्यूरोन का पार्ट नहीं है, जिससे देखें सिनोप्स, एक्जोन, नेजल बॉडी या फिर डेंड्राइट। यहाँ पे जो है कि आपका सिनेप्स जो है क्या होगा, वो न्यूरॉन का जो है कि वो पार्ट नहीं होता है, सिनेप्स जो है कि आपका न्यूरॉन का पार्ट नहीं होता है, बल्कि जो कि ये प्लेस होता है न्यूरॉन में जो है कि उसका नाम कहा जाता है, ये कोई पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर यहाँ से बात करें, 40 का
द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ ए न्यूरोन इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट टू आयंस, कह रहा है द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ ए न्यूरोन इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट टू आयंस, तो किन दो आयनों पे जो है कि ये रेस्टिंग पोटेंशियल जो होता है न्यूरोन का वो डिपेंड करता है। तो देखें लेड एंड कैल्शियम आयंस, कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयंस, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, पोटेशियम एंड फॉस्फेटिक आयंस। तो आपका यहाँ पे आंसर जो कि ऑप्शन सी करेक्ट रहने वाला है, क्या है जो कि सोडियम एंड पोटेशियम आयंस पे जो है कि ये न्यूरॉन पोटेंशियल जो है कि डिपेंड करता है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो कि ये रहने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट फिर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ न्यूरॉन, कौन जो है कि न्यूरॉन का टाइप नहीं है। यहाँ से बात करें सेंसरी, मोटर, एसोसिएशन या फिर स्टिमुलेटरी। तो यहाँ पे स्टिमुलेटरी जो होता है वो जो कि आपका जो कि न्यूरॉन जो है कि कोई किसी तरह का ये न्यूरॉन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर यहाँ से बात करें, अब देखें कह रहा है मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द, मेलाटोनिन जो होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है। आप देखें यहाँ पे ऑप्शन स्किन के द्वारा होता है ऑप्शन में आपका, या फिर पाइनल ग्लैंड में होता है, या फिर लिवर होता है, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। तो ये आपका पीनल ग्लैंड के द्वारा जो है कि ये जो है कि उत्सर्जित होने वाला जो है कि एक तरह का क्या है ना मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड, एक तरह का ये हार्मोनिक ग्लैंड का मतलब जो कि होता है। नेक्स्ट फिर यहाँ से बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ इंसुलिन इज इट, इंसुलिन के रिस्पेक्ट में कौन सा यहाँ पे ट्रू रहने वाला है। सेक्रेटेड बाय द पेनक्रियास, अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव जो कि यहाँ पे आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, सेलेक्ट द हार्मोन इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स टारगेट। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन का फंक्शन एंड जो है उसका नाम दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कौन जो कि इनकरेक्ट मैचिंग है। जैसे TSH का बात करें, ये थायराइड ग्लैंड, ACTH, एंटेरियर पिट्यूटरी, LH, ओवरी और टेस्टिस, उसके बाद MSH, ये हो जाएगा आपका मेलानोसाइट्स। तो यहाँ पे आपका जो कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, MSH, मेलानोसाइट्स जो है कि ये जो है कि आपका MSH हार्मोन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर यहाँ से बात करें, अब विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सेक्रेट्स हार्मोन्स, इनमें से कौन सा टिश्यू है जो कि हार्मोन सेक्रेट करने वाला होता है। पेनक्रियास, ओवरीज, गैस्ट्रो, इंस्टेंटिनल ट्रैक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव जो कि यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन नंबर का बात करें, अब यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली अटैच टू द ओवरी, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है कि जो कि ओवरी से डायरेक्ट जो कि कनेक्टेड होता है। यहाँ पे देखें ओविडक्ट, यूटेरस, सस्पेंसरी लिगामेंट्स एंड वेजिना। तो यहाँ पे आपका जो है कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सस्पेंसरी लिगामेंट जो होता है वह ओवरी से जो है कि वह डायरेक्ट जो कि कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर यहाँ से आप बात करें, देखते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम बाय द स्पर्म यूजुअली अकर्स इन द, तो ये फर्टिलाइजेशन का जो काम होता है ये कहाँ पे होता है, ओवम में जो होता है ओवम और स्पर्म के थ्रू ये कहाँ पे होता है। देखें तो ओविडक्ट, वेजिना, यूटेरस या फिर ओवरी, जो कि ये जो है कि आपका ओविडक्ट ऑप्शन ए में जो कि यहाँ पे होने वाला ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर अब यहाँ से बात करें 48 का, कह रहा हम द कर्पस लिथियम सीक्रेट्स, द कर्पस लिथियम सीक्रेट्स। तो कर्पस लिथियम जो होता है ये ग्लैंड जो होता है ये क्या सीक्रेट्स करता है, SHG, LH या फिर FSH या फिर प्रोजेस्ट्रोन। तो ये जो है कि प्रोजेस्ट्रोन को सीक्रेट करता है, और ये जो है कि फीमेल जो है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है कि एक पार्ट होता है ना, ये जो है कि आपका कॉर्पस लिथियम जो है कि ये होता है, ये सीक्रेट करता है प्रोजेस्ट्रोन, ये एक तरह का हार्मोन। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज स्पर्म नॉट ट्रेवल थ्रू, स्पर्म किसके द्वारा इनमें से ट्रेवल नहीं करता, जैसे यूटेरा, यूटेरर, यूरेथ्रा, वास डेफरेंस या फिर एपिडीडाइमस। तो इनमें से किसके द्वारा स्पर्म में जो है कि फ्लो नहीं करता है, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यूरेटर है ना, यूरेटर ये जो कि पेशाब का जो है कि इसमें संचालन होता है ना, इसमें जो है स्पर्म का जो कि फ्लो नहीं होता, ये अलग वे होता है, और स्पर्म के लिए अलग वे जो कि वास डेफरेंस जो है कि उसके लिए वो बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कब यहाँ से आप बात करें, द प्लेसेंटा इन ह्यूमन इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्लेसेंटा जो होता है ह्यूमन में वो कहाँ से डिराइव्ड होता है, ये होता है एम्ब्रियो ओनली, यूटेरस ओनली, एंडोमेट्रियम एंड एम्ब्रियो, उसके बाद नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जो प्लेसेंटा जो ह्यूमन में जो डिराइव्ड होता है वो है ना, ये होता है एंडोमेट्रियम एंड एम्ब्रियो, इन दोनों से जो कि ये प्लेसेंटा जो है कि बनता है।
तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने टोटल 50 क्वेश्चंस को जो है कि सेशन में कंप्लीट किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आपके जो है कि क्लास 9th और 10th के सिलेबस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।